टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अजब एमपी की गजब कहानी है। अगर आपकी भैंस दूध ना दे तो आप भैंस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए। कुछ ऐसा ही अजब गजब मामला एमपी के भिंड से सामने आया है, जहां छोटे लाल नाम के एक व्यक्ति की भैंस दूध नहीं निकालने दे रही तो छोटे लाल भैंस को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए और पुलिस से दूध निकलवाने की मदद मांगने लगे। सर, जो है हमारी भैंस दूध दुहाने नहीं देती है, मदद चाहते हैं कि हमारी भैंस दुहाने लगे, दुहाने में मदद करे सर। अच्छा, फिर व्यवसाय बंद रहूंगा सर आपसे। सही है सर, जो भी आ रहे आते हैं सर, यही समस्या है सर, और हमारी समस्या कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, आपके सर जो है आप क्या कर सकते। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले ही छोटे लाल ने भैंस खरीदा था, मगर दूध भैंस नहीं निकालने दे रही है। पहले पुलिस को लगा कि मानसिक रूप से छोटे लाल कमज़ोर हैं, इसलिए वो ऐसी हरकत कर रहे हैं, मगर जांच में छोटे लाल सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने हर संभव मदद करने की बात कही है। जी, ये थाना नया गाँव का मामला है। ये दोपहर में पहले एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है छोटे लाल जाटव और जिनकी उम्र 45 साल, नया गांव के ही निवासी हैं। पहले थाना प्रभारी के समक्ष पेश हुए थे। इन्होंने बताया कि इनकी भैंस दूध दुहाने नहीं दे रही है, मतलब दूध निकालने नहीं दे रही है, ऐसा इन्होंने शिकायत किया। फिर बाद में लगभग 3-4 घंटे के बाद ये पुनः थाने पे आते हैं और भैंस लेकर के ही आ गए और भैंस थाने के बाहर इन्होंने बांध दिया। इससे थाना प्रभारी ने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि मेरी भैंस दुहाने नहीं दे रही है, मुझे आपसे मदद चाहिए ही चाहिए। फिर थाना प्रभारी ने उनसे जब बात की तो पता चला कि ऐसी, हालांकि उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, मासूम जरूर लग रहे थे, और उनसे बातों में ये चीजें सामने आई कि लगभग एक महीने पहले उन्होंने भैंस खरीदी थी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन सीमित होते हैं और ये इसकी वजह से परेशान रहे होंगे, और गांव में माहौल रहता है कि तांत्रिक वगैरह टोटका वगैरह का माहौल, तो लोगों ने उनको बताया हुआ है आप थाने में जाइए, आपको थाने में मदद मिलेगी। ठीक है, लोगों की पुलिस की अपेक्षाएं हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनको फिलहाल समझा बुझा करके भेज दिया गया है। फिर भी अगर इनसे हम जो भी मदद कर सकते हैं पूरी कोशिश होगी, मदद करेंगे इनकी। इस समय एक सवाल उठता है कि पुलिस उसकी मदद करेगी कैसे, अगर उनको समझा बुझा करके इन्हीं बातों पर भेज दिया गया है। हालांकि वो फिर भी पुलिस से उनको मदद चाहिए, उनकी अपेक्षाएं, मैंने जैसा कि पहले कहा उनका, हम उनकी अपेक्षाओं का सम्मान करते हैं, फिर भी अगर वो आते हैं और मदद मांगते हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं देखते हैं, उनसे कोशिश करेंगे उनको संतुष्ट करने की हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो पुलिस की कार्रवाई से जो कुछ भी हम कर सकते हैं संतुष्ट होंगे।